और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकियों को एनआईए की को लेकर एनआईए की एक अहम बैठक है। एनआईए ने 5 से 6 अक्टूबर को ये बड़ी बैठक बुलाई है। देश भर के एटीएस प्रमुख इसमें शामिल होने वाले हैं। अलग अलग राज्यों ने एटीएस का निर्माण किया है और उनके जो प्रमुख है जिनकी निगाहें वह हमेशा बनी रहती है और कई स्थिति में ये क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं जॉ को, आईबी को, एनआईए को। अब इनका रहना भी जरूरी है। ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है जिनके प्रमुख सभी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं और खालिस्तानी चुनौती सबसे बड़ी मौजूदा वक्त में एनआईए के पास। तो खालिस्तानी आतंकियों का जो गठजोड़ है गैंगस्टर्स के साथ, उसे किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, क्या कुछ गतिविधियां खालिस्तानी आतंकियों की रहने वाली। अमित हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अमित, कितनी अहम इस बैठक को माने, क्या कुछ चर्चा बैठक में होगी? देखिए, जिस तरीके से खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी और गैंगस्टर का गठजोड़ है उसके लिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने एक ग्रिड बनाई थी और सारे जो एटीएस प्रमुख है इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रदेशों की है उनसे शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म बनाया था, तो उसी से जोड़कर ये बैठक है 5 और 6 अक्टूबर को होगी। सारे देश के जो एटीएस प्रमुख हैं और जो आतंकवादी गतिविधियों की जांच करते हैं वह जमा होंगे और एक रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से इस नेक्सस को तोड़ा जाए, साथ ही साथ अन्य तरीके के जो आतंकी मॉड्यूल देश में आ रहे हैं उनसे कैसे मुकाबला किया जाए, इस पर रणनीति होगी। तो इस प्रकरण के सामने आने के बाद इस बैठक को बहुत ही अहम माना जा रहा है। तो अमित, हम आपका एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, ये मीटिंग बहुत अहम है। इसलिए अहम है क्योंकि जो कनाडा का रुख रहा खालिस्तानी आतंकियों को लेकर, ऐसे वक्त में अब हमारी जो जांच एजेंसियां हैं जिसमें एनआईए, आईबी, रॉ, एटीएस, अलग अलग राज्यों की, ये सभी एक साथ प्लानिंग करने वाले हैं। भाई, खंडवा पहुंचने पर धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन विरोधियों की तुलना रावण से की थी और एक बार फिर सनातन के खात्मे और संतों पर उंगली उठाने वालों पर उन्होंने दिव्य दरबार में एक बार फिर जोरदार हमला बोला कि जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते थे कि तुम्हारे सनातन धर्म में क्या है, संत तो पाखंडी होते, ये वो दुनियादारी, उनके मुँह पर झंडातेदार तमाचा मारने के लिए ही बालाजी का दरबार लगता है। खंडवा के हरसूद में आयोजित कथा में बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ के बाद अगली कथा के लिए उत्तर प्रदेश जाएंगे। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम सनातन की बात करेंगे करेंगे करेंगे। मध्य प्रदेश के धार में एक मुस्लिम युवक ने भगवान भोलेनाथ और हिंदू त्योहारों से प्रभावित होकर हिंदू बनने का निर्णय लिया और सनातन धर्म को ग्रहण कर लिया। ये युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है जिसका नाम पहले शोएब शेख था, लेकिन हिंदू धर्म में शामिल होने के साथ ही नाम हो गया है राज गुप्ता। होली, दिवाली, त्योहार जो होते हैं इनमें ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और मैं सबसे ज्यादा अपने भोलेनाथ जी को मानता हूँ। इस दौरान हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद थे।